बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, जो भी लोग एमपी व्यापम का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जिन भी लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं वो लोग एमपी व्यापम जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आप ओपन कीजिए। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप हिंदी फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इस वेबसाइट में पता नहीं कि थोड़ी देर पहले इंग्लिश यदि जोन हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए आपके लिए एडमिट कार्ड हैं जो शो नहीं होंगे। जैसे ही हम हिंदी जोन सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए प्रवेश पत्र समूह 5 फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन व अन्य पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2020। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो एडमिट कार्ड हैं रिलीज कर दिए गए हैं फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन और अदर पोस्ट के लिए। जिन भी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हो, चाहे वो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए हो या फिर फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन के लिए, उनके लिए कहा गया है कि आपके एडमिट कार्ड हैं जो इस वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिए गए हैं तो आपको अपने एडमिट कार्ड है जो डाउनलोड करने होंगे। यहाँ पे आपने सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो 13 डिजिट का होगा, डेट ऑफ बर्थ और सिलेक्टर पेपर कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, लैब अटेंडेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, प्रोस्थेटिक रेडियो या फिर किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, मेल स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर या फिर मैट्रन के लिए। सभी लोगों के लिए है जो बहुत ही अच्छी बात है। सभी के बहुत सारे कमेंट्स थे कि हम लोग का एडमिट कार्ड है जो क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको पूरा यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए इनको फॉलो करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना 13 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डीडी मींस डेट मंथ और ईयर के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करना है। देन यदि आपने फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किया है तो फार्मासिस्ट के लिए, यदि आपने मेल स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है आपको वो करना है। और यहाँ पर जो संख्या दी हुई है जहाँ से यहाँ पर दिया 54 में से 10 गए तो 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो वो आपको यहाँ पर लिख के है जो अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड है डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, मेरे पास एक अभी रिसेंट में एक इमेज बेस्ड कटिंग हम कह सकते हैं जो एमपी रोजगार समाचार की कटिंग आई हुई है, तो इसमें कहा गया है कि जिन भी लोगों ने देखिए यहाँ पर समूह 5 के अंतर्गत है जो समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स एवं अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। तो पहले कहा गया कि एग्जाम होने वाला है 16 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2020 के बीच में, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट के लिए व्यापम ने हैं जो फॉर्म फिलअप करवाए थे। फिर अभी रिसेंट में नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज ही 16 दिसंबर है बट एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आई होप कि ये नोटिफिकेशन सही निकले। तो जो 16 दिसंबर 2020 से 27 दिसंबर 2020 तक एग्ज़ाम होने वाले थे उनको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया है। और कहा गया है कि अब पेपर होंगे 28 दिसंबर 2020 से 13 जनवरी 2021 तक। तो जो भी लोग वेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि एडमिट कार्ड बहुत जल्दी वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे, तो वो है जो अभी आप लोग अपने डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये जो कटिंग है, ये जो एमपी का जो रोजगार समाचार वाला पेपर आता है उसकी कटिंग ली हुई है। सो आई होप कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका पेपर है जो पोस्टपोन हो गया है 28 दिसंबर 2020 से लेके 13 जनवरी 2021 के बीच में करवाया जाएगा। और यहाँ पर रही बात की इसके लिए एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं दी गई है, तो यहाँ पर जिन भी लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे तो वो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना एक एडमिट कार्ड ज़रूर भेजना ताकि मैं भी चेक करूँ स्टाफ नर्स की डेट कब है, लैब टेक्नीशियन वालों की कब है। अलग अलग हो सकता है, अलग अलग डेट रखी गई हो जब 28 दिसंबर से पेपर कंडक्ट करवाया जाना है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो आप लोग एमपी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए। और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट सेक्शन में है जो बता सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। और कभी कभी मैं आप लोगों के कमेंट्स का या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, सो आई होप आप लोग समझते होंगे।
कि इतने सारे मैसेज का रिप्लाई कर पाना ना इजी भी नहीं होता है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।